नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले दिन बेंगलुरु में जमकर खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों पर 10 की 10 टीमों ने जमकर बोली लगाई, लेकिन सभी की निगाहें इस बार युवा खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा दिखी, क्योंकि भारतीय युवा खिलाड़ी इस बार ऑक्शन के पहले दिन छाए रहे। और जब बारी आई अनकैप्ड की, तो सबसे पहले सभी के जहन में नाम आया शाहरुख खान। ये वो खिलाड़ी है जिसने पिछले आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया था, और अभी हाल फिलहाल में ही वो भारतीय टीम के स्क्वाड में भी शामिल हुआ था। उनके बेस्ट प्राइस इस बार लाखों में थी, लेकिन वो बिके करोड़ों में, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम ने शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। और अनकैप्ड खिलाड़ियों के तौर पर देखा जाए तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बने शाहरुख खान। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आईपीएल 2021 में 11 मुकाबले खेले थे, जिसके अंदर उन्होंने 134 की स्ट्राइक रेट से 153 रन भी बनाए थे। और हाल फिलहाल में जिस हिसाब से उनका फॉर्म डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम ने इस बार उन्हें 9 करोड़ रुपये में खरीदा है। आपको बता दें, पिछले आईपीएल में भी शाहरुख खान पंजाब किंग्स की टीम में ही खेले थे, और उस समय पंजाब किंग्स की टीम ने 5 करोड़ 25 लाख रुपये में शाहरुख खान को अपनी टीम के साथ जोड़ा था। लेकिन इस बार उन्हें अपनी टीम में शाहरुख खान को लेने के लिए इस रकम को बढ़ाना पड़ा, और शाहरुख खान 9 करोड़ रुपए में इस बार पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हैं। यानी हाल फिलहाल में भारतीय टीम के स्क्वाड में नाम आना और अब आईपीएल में 9 करोड़ रुपए मिलना इस खिलाड़ी के लिए कहीं ना कहीं किस्मत के दरवाजे खुल जाना जैसा है। और अब सभी टीमों की निगाह इस खिलाड़ी के ऊपर आने वाले सीजन में होंगी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने एक बड़ा दांव शाहरुख खान जैसे बल्लेबाज पे खेला है, जिसके विस्फोटक बल्लेबाजी के दीवाने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।